अत 11वां अध्याय प्रारंभते विश्व रूप दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्मिक विषयक वचन जो आपने कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया था वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उस रूप को देखने योग्य समझे तो अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के मरुद्गण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य को देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उससे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन से कहा कि उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप में अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक सुंदर सुंदर अनेक अद्भुत दृश्य थे, देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे, देह पर दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवा दिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विकल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शरीर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा संपूर्ण ऋषि दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र, तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता हूँ, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किटीर युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से दिदीप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान धनुर्वृक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा चंद्र सूर्य नेत्र के कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह समस्ती कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्रगण, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता गंधर्व, यक्ष,
असुर सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये महाबाहु अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचकर प्रकाशमान अनेक वर्षों तक फैलाए हुए मुख को जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है। मुझ में धैर्य धरा नहीं जाता है और चित्त स्थिर नहीं होता है। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले कलाग्नि के सदृश आप मुखों को देखकर मुझ में दिशा नहीं सूझती है, मैं शांति नहीं पाता। अतः मुझ पर दया करो धृतराष्ट्र के दुर्दनिक पुत्र, आपके साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों में युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने ही लोग आपकी दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है, जैसे नदियों की अनेक जल धाराएं समुद्र की ओर बहती हैं। वैसे ही ये मनुष्य लोक, ये वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि में पतंग जैसे गिरते हैं। सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों को चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयंकर रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेवर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको मैं जानने की इच्छा रखता हूँ क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल में समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश लेकर समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सभ्य साचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए, साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं, सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है, हे महात्मन, हे अनंत, हे आदि देव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त आप हो और अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप आदि देव, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान हो, आप विश्व के विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हो, आपको नमस्कार है और फिर भी बारंबार नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए स्वरूप तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर, हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा है वह
प्रमाद से अथवा स्नेह से, हे अच्युत विश्व रूप, तुमसे इन बोलों की मैं क्षमा मांगता हूँ जो परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा किसी मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम स्थावर जंगम रूप लोक के पिता पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा, इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिय प्रिय के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, पहले कभी ना देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्र बाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही कटीर गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजो में अनंत आदि और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसमें तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। और हे पांडुपुत्र मिश्रित, मनुष्य लोग भी तुम्हारे सिवाय कोई वेदाध्ययन, दान, अग्निहोत्र और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय को त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर तुम वही मेरा रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपको सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने जो देखा है, इसका दर्शन भी संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसा रूप वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो यह विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्वज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझ ही को सर्वत्र मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सर्व संसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दिव्य नाम एकादशो अध्याय समाप्त। 11वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। तुंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वो ब्राह्मण नित्य गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था। राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा रसोई करके कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए। अमृत बोले, राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ में था। कई भृत्य साथ में थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। राजा के चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि बहुत सेवा करता था, श्रवण करता था, परंतु प्रतिमाओं के कारण राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे
संत जी आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ने ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि करेगा, जो यह लड़का जी उठेगा तो मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगा, तू श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत योनि से छूटकर देव देही पाई। राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम से सुंदर व चतुर्भुज रूप का खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए और उसमें चला गया।